हेलो गाइस, वेलकम टू टीसीडी। आज हम लोग मॉडल करेंगे एक ओल्ड साइन बोर्ड। हम उसका पहले रेफरेंस इमेज लोड कर लेंगे। इसे हम आर से स्केल कर लेंगे। पीछे मूव कर लेंगे, सेट कर लेंगे हमारे रेफरेंस मैच को। ग्रिड के टॉप पे ले आएंगे इससे ही हम। ठीक है, क्रिएट लेयर फ्रॉम सिलेक्टेड, रेफरेंस इमेज कर देंगे। पहले हम इसका ये पोर्शन बना लेंगे। एक सिलेंडर लेंगे, इसे हम मूव करेंगे यहाँ पर। इसके सब डिविजन को हम कम कर देंगे। ट्वेल्व इसके और टॉप के फेसेस सेलेक्ट कर लेंगे, बाकी सब भी सिलेक्ट। चल मूव करते हैं यहाँ पर, कंट्रोल ई से एक बार शूट कर लेंगे। डब्ल्यू से ऊपर मूव कर लेंगे, एक और बार कंट्रोल ई से एक शूट कर लेंगे। यहाँ पर एक और बार कंट्रोल ई से एक शूट, यहाँ पर एक और बार कंट्रोल ई से एक शूट, कंट्रोल ई पर एक शूट। डब्ल्यू से मूव कर करके यहाँ तक ले आएंगे टॉप पर। यहाँ पर कंट्रोल से एक शूट कर लेंगे, यहाँ लाके इसे रोटेट कर लेंगे टॉप पर। ठीक है, यहाँ पर हम इसके फेस सेलेक्ट कर लेंगे फ्रंट के। ये दोनों फेस सेलेक्ट कर लेंगे, फ्रंट में चेक कर लेंगे सही फेस सेलेक्ट हुए यानी। अब इन्हें हम यहाँ से एक्सट्रूड कर लेंगे कंट्रोल ई से एक्सट्रूड। ऐसे हम एकदम एंड तक ले जाएंगे यहाँ पर। यहाँ पर लगा आर से रख करके स्केल टूल लेंगे और जे से सेंटर में स्नैप कर लेंगे, जे के साथ लेफ्ट क्लिक से स्नैप। और ये एकदम स्ट्रेट हो जाएगा हमारा फ्रंट। और हम इसे परस्पेक्टिव में लाके कंट्रोल से को बैक शूट करेंगे। यहाँ पर हम ऑफसेट 0.2 कर लेंगे। ठीक है, इतना 0.4। हम इसके हम सारे कोने के वर्टेक्स सेलेक्ट करके स्केल डाउन कर लेंगे। ठीक है, अब सेंटर के फेस सेलेक्ट कर लेंगे दोनों, कंट्रोल से एक्सट्रूड कर लेंगे इन्हें, कंट्रोल से तो बैक एक्सट्रूड स्केल अप तो आगे जाएंगे, कंट्रोल से एक्सट्रूड कर लेंगे दो बार, कंट्रोल टू एक्सट्रूड अगेन स्केल डाउन कर लेंगे यहाँ पर। ऊपर बैक कंट्रोल से एक्सट्रूड करके प्रॉपर शेप दे देंगे यहाँ पर। फ्रंट व्यू से चेक कर लेंगे हमारा प्रॉपर शेप आ रहा है। तो बैक कंट्रोल से एक्सट्रूड कर लेंगे, स्केल अप कर लेंगे सर, कंट्रोल से एक्सट्रूड। यहाँ के बाद एक बार बैक कंट्रोल से एक्सट्रूड, कंट्रोल ई से एक्सट्रूड, यहाँ पर लाके स्केल डाउन कर लेंगे। अब इसमें एज लॉब्स इंसर्ट कर देंगे यहाँ पर हम दो एज लॉब्स।
हाँ उसके अलग फेस सेलेक्ट कर लेंगे और इन्हें कंट्रोल ई से एक्सट्रूड कर लेंगे और आप साइड मूव कर लेंगे, स्क्रीन डाउन कर लेंगे, दोनों को स्नैप कर लेंगे जो से। अब इसमें एच डूब डाल देंगे दो यहाँ पर से थोड़ा कर्व क्रिएट करने के लिए। ठीक है, अब हम सेम नेचर के साथ वैसे करेंगे, इसके भी फेसेस को फ्लैग कंट्रोल से एक्सप्लोर कर लेंगे, यहाँ रख के जे पे स्नैप कर लेंगे जैसे सेंटर में, स्केल डाउन कर लेंगे और दो एज लॉक दे देंगे। ये हमारा नीचे का ये पोर्शन कंप्लीट हो गया, इसे डिलीट कर देंगे शिफ्ट अल्ट डी से, इसे डिलीट चेक कर लेंगे हम। ठीक है, हम मेन बोर्ड बना लेंगे हमारा, ये सिंपल एक प्लेन ले लेंगे हम, सब साइड मूव करके रोटेट कर लेंगे आर से रोटेशन, जैसे स्नैप करते रोटेट कर लेंगे, स्केल अप कर लेंगे यहाँ पर थोड़ा, यहाँ पर अब सब डिविजन कम कर देंगे वन वन, और स्केल कर लेंगे एकदम प्रॉपरली। ठीक है, हमारा बोर्ड बन गया है, इसे थोड़ी डेप्थ दे देंगे, कंट्रोल ई से इसे एक्सपोर्ट कर लेंगे ठीक है, 0.36। तो सेंटर में ले आएंगे इसे बैठ के, अब हम इसके ये पार्ट बना लेंगे, एक क्यूब लेंगे, इस क्यूब का हम ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ पर लाके इसे थोड़ा स्केल कर लेंगे अकॉर्डिंग, थोड़ा और स्केल कर लेंगे, इसके फेसेस को सिलेक्ट कर लेंगे, फेसेस को दोनों कंट्रोल ही ऑफसेट ले लेंगे 0.16 और थोड़ा ज़्यादा ले लेंगे 0.2 और इन्हें कंट्रोल ही एक्सट्रूड एक और बार और इन साइड मूव कर लेंगे और इन्हें डिलीट कर देंगे। इस पोर्शन को हम मर्ज कर लेंगे, ये सारी एजेस सेलेक्ट करके, ये सारी एजेस सेलेक्ट करके मर्ज टू सेंटर, मर्ज बॉर्डर एजेस, ठीक है 0.15, स्टार्ट डिलीट, ये हमारा पोर्शन बन गया। हम नीचे ले आएंगे, हमारा ठीक है, हम इसके एजेस को बेवल कर देंगे, फिर
एक सेगमेंट दे देंगे, ऐड कर देंगे सेगमेंट बीच में। अब इसके नीचे के फेस को सेट कर लेंगे, फेस पोर्शन के कंट्रोल से एक्सट्रूड कर लेंगे, स्पीड डाउन। एक्सट्रूड कर लेंगे एक और बार, इस बार ऑफसेट थोड़ा बढ़ा देंगे, इसे डब्ल्यू से पीछे मूव भी कर लेंगे, थोड़ा स्केल डाउन कर लेंगे। ओके, अब एक बार कंट्रोल ई टू एक्सट्रूड, इसे ऐसे कैसे आप नीचे तक ले आएंगे। ये हमारे बोर्ड से अटैच हो गया है यहाँ पर। इसके हिसाब से थोड़ा बोर्ड तो हम आगे ले आएंगे, हाँ ठीक है, सिलेक्ट करेंगे तो स्केल कर लेंगे साइड में भी, चेक कर लेंगे ठीक है। अब इसे कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर लेंगे, यहाँ पर दूसरी जगह लगा देंगे। अब हम ये पोर्शन बना लेंगे इसका। अब हम इसके फ्रंट के फेसेस को सिलेक्ट कर लेंगे, ये दोनों, और इस पोर्शन को एक्सट्रूड कर लेंगे कंट्रोल ई डब्ल्यू से, थोड़ा आगे मूव कर लेंगे, आर से स्केल कर लेंगे, वही स्नैप कर देंगे एकदम स्ट्रेट, थोड़ा स्केल डाउन कर लेंगे ठीक है। अब वो भी फेस को सिलेक्ट रख के इस कर्व को भी सिलेक्ट कर लेंगे, हाँ अगर आप इस फेस में आकर ऑब्जेक्ट फेस साथ में ऐसे भी सिलेक्ट कर लेंगे कर्व को हमारा। इससे पहले अब एक मिनट कर्व को थोड़ा और क्लियर ठीक कर लेंगे अच्छे से, कंट्रोल वर्टेक्स में जाकर इसे थोड़ा यहाँ ले आएंगे प्रॉपर, इसे भी यहाँ ले आएंगे प्रॉपर, कंट्रोल वर्टेक्स हमारा कार हो गया नॉर्मल, अच्छा हो गया। वापस हम इसके फेस सेलेक्ट कर लेंगे फ्रंट के ये दोनों, और इस कार को सेलेक्ट करके कंट्रोल ई से एक्सट्रूड कर लेंगे, यहाँ डिविजन्स बढ़ा देंगे, फुल डिविजन इतने हमारे 25 ठीक है। और हम इसे यहाँ से इसके वर्टेक्स सेलेक्ट कर करके प्रॉपर शेप में आएंगे, स्केल डाउन से थोड़ा पतला कर लेंगे यहाँ पर,
कर्व हम चेक कर लेंगे प्रॉपर आया है नहीं। यहाँ पर नॉर्म अच्छा कर्व आ चुका है। फ्रंट के फेसेस को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर से कंट्रोल वी से एक्सट्रूड कर लेंगे, स्ट्रेट स्केल डाउन कर लेंगे। करके अप साइड रोटेट कर लेंगे थोड़ा। ठीक है, उस फंक्शन को बढ़ा देंगे हम। फ्रंट व्यू में रहते हैं इन दोनों को, एड्रेस को सेलेक्ट करके बेवल कर लेंगे, एक सेगमेंट और दे देंगे, फ्रैक्शन बढ़ा देंगे 9 तक। ये हमारा प्रॉपर कर्व बन गया है यहाँ पर। मल्टी का टूल से हम एडजस्ट कलेक्ट कनेक्ट कर देंगे यहाँ से, सेव हम थोड़ा साइड भी कर देंगे इसे और इसे कनेक्ट कर देंगे इसे और सभी कनेक्ट कर देंगे। शिफ्ट ऑल डिलीट से डिलीट कर देंगे, सेव कर लेंगे फाइल को और इस एरिया को डिसलेक्ट करके कर्व डिलीट कर देंगे हम। ये हमारे एक कर्व बन चुका है, हम सेम इसी मेथड से ये दोनों कर्व को भी क्रिएट कर लेंगे। थोड़ा ऐसे वहाँ पर हम इस एज को बराबर कर देंगे, इन साइड के फेस सेलेक्ट कर लेंगे हम ये दोनों। और इनसे हम इसे भी कर क्रिएट कर लेंगे, आप इस क्रिएट में जाके सीवी कर टूल सीवी कर टूल से हम दोनों कर बना लेंगे, ये वाला भी और ये वाला भी। पहले हम वाला कर बना रहे हैं, जी इसे फिर वही टूल ले लेंगे हम, इस कर्व को भी क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पर हम एक एज लूप दे देंगे रिलेटेड डिस्टेंस, इतना एज लुक काफ़ी है। इस एज लुक को भी थोड़ा ऊपर ले आएंगे, फ्रंट के फेस सेलेक्ट कर लेंगे वापस से, चेक कर लेंगे ना कंट्रोल ई टू एक्सट्रूड, हल्का सा आगे ला के स्केल और स्केल करके हम जो है स्नैप कर लेंगे फ्रंट में। अब इसे भी साथ में सेलेक्ट कर लेंगे फेस के साथ कर्व सेलेक्ट, कर्व को पहले थोड़ा एडिट कर लेंगे यहाँ पर,
वापस इसके फेस सेलेक्ट कर लेंगे हम, ये दोनों फेस सेलेक्ट करके ये कर्व सेलेक्ट कर लेंगे। कंट्रोल ई तो एक्सट्रूड डिविजन्स बढ़ा देंगे यहाँ पर, बीस डिविजन काफ़ी है, इसे हम प्रॉपरली सेट कर लेंगे वापस से सारे वर्टाइसेस को सेलेक्ट कर करके। इसके फ्रंट के फेस सेलेक्ट करके ये दोनों फेस को सेलेक्ट करके हम एक्सट्रूड कर लेंगे एक और बार, कंट्रोल ई एक्सट्रूड और रोटेट कर लेंगे जो इससे, हम इसकी भी साइड के एजेस को सेलेक्ट कर लेंगे ये दोनों इधर के दोनों, इन्हें बेवल कर लेंगे सेगमेंट बढ़ा देंगे सेगमेंट। डिलीट कर देंगे हम इसको, बट ऐसे इसको कनेक्ट कर देंगे मल्टी का टूल से हम, डिलीट अलग कर्व भी डिलीट कर देंगे तो सेलेक्ट करके कर्व डिलीट। अब हम इस कर्व को सिलेक्ट कर लेंगे पहले, इसे प्रॉपर कर लेंगे,
अब हम इसके ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे, शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करेंगे, कर्व सेलेक्ट करके शिफ्ट के साथ राइट क्लिक, रिवर्स कर्व कर देंगे, कंट्रोल वर्टेक्स इसको थोड़ा इन साइड कर देंगे। अब हम यहाँ पर फेस मोड में आएंगे, यहाँ के इन साइड के फेस सेलेक्ट कर लेंगे, एप से फोकस, ठीक है, इसे भी सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल ई एक्सट्रूड, डिविजन कर देंगे यहाँ पर भी, और डिविजन बढ़ा देंगे 18, ठीक है, स्केल डाउन कर लेंगे हमें हल्का सा, रोटेट करके प्रॉपर शेप दे देंगे यहाँ पर, हम इसका फिर से फ्रंट फेस सेलेक्ट कर लेंगे, एक्सट्रूड कर लेंगे थोड़ा कंट्रोल ई से, यहाँ पर लाकर इसकी एजेस को सेलेक्ट कर लेंगे दोनों साइड की, बेवल कर देंगे कंट्रोल बी, सेगमेंट्स बढ़ा देंगे 3, ऐसा कर देंगे 0.9, मल्टी का टूल से वापस हमें सब कनेक्ट कर देंगे। हाँ, मैंने भी सिलेक्ट करके सबको सिलेक्ट करके एस्टिमेट कर देंगे शिफ्ट अल्ट डी से,
बाकी सबको डिसलेक्ट करके एक कर्व डिलीट कर देंगे हम। अरे यहाँ से प्रॉपरली ऊपर कर लेंगे, स्नैप कर लेंगे एकदम स्ट्रेट उन चारों को। सेम यहाँ पर हम इनके साथ भी करेंगे स्नैप सेंटर में साइड मूव, इन दोनों को भी यही करेंगे। बी से स्नैप कर देंगे यहाँ पर हम। प्रॉपरली यहाँ नहीं आएंगे, सेंटर में स्नैप कर लेंगे। यहाँ पर एक एजबुक डाल देंगे बीच में, ताकि ये भी सेम रहे थोड़ा। ठीक है, हमारे बोर्ड का अपर एरिया कंप्लीट हो चुका है। डिस्प्ले में जाकर शो शो ऑल, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।